एक आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटेल वर्सेस एएमडी के बारे में। दोस्तों ये कंपैरिजन लोग आज से नहीं बल्कि काफी टाइम से कर रहे हैं और आज भी दोनों के जो फैंस हैं वो आज भी लड़ रहे हैं कि कौन बेस्ट है। सही मायने में बात किया जाए तो दोस्तों दोनों ही अपनी जगह बेस्ट हैं। कोई वैल्यू फॉर मनी ऑफर करता है तो कोई बेटर परफॉर्मेंस ऑफर करता है। इंडिया दोस्तों एक इतनी बड़ी कंट्री है जहां पर आपको दोनों टाइप के लोग मिल जाएंगे। वेल, आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल कंपैरिजन करेंगे इंटेल और एएमडी के बीच में और आपको बताएंगे कि इंटेल बेटर क्यों है। वेल, अगर आप भी इंटेल के फैन हैं और जानना चाहते हैं क्यों इंटेल बेटर है और क्यों इंटेल बेटर रहेगा तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरा नाम है अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। सो लेट्स बिगिन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो में जो बेसिकली हम लोग एएमडी के साइड से प्रोसेसर ले रहे हैं वो केवल राइजन है। यहाँ पर हम लोग बुलडोजर या एक्सकेवेटर बेस आर्किटेक्चर के कोई भी प्रोसेसर नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनका परफॉर्मेंस और सिंगल कोर परफॉर्मेंस तो बहुत ही गंदा है। दोस्तों कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना होगा कि प्रोसेसर्स काम कैसे करते हैं। जरूरी नहीं है चार कोर वाले दो प्रोसेसर सेम फ्रीक्वेंसी पे सेम परफॉर्म करेंगे। दोस्तों ये इंटायरली डिपेंड होता है आईपीसी पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स कहना चाहूंगा हमारे ग्रुप के एक मेंबर का जिन्होंने ये मुझे पॉइंट बताया कि आईपीसी को अपने वीडियो में इंक्लूड जरूर करें। नाउ अब बात कर लेते हैं आईपीसी के बारे में। आईपीसी होता क्या है? आईपीसी बेसिकली होता है इंस्ट्रक्शन पर साइकिल। एक साइकिल पर प्रोसेसर कितने इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करता है उसे बोला जाता है आईपीसी। मिसाल के तौर पे आप कॉफी लेक का कोई भी प्रोसेसर ले लें और राइजन का कोई भी प्रोसेसर ले लें, अगर आप दोनों की आईपीसी देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि इंटेल का जो प्रोसेसर है वो 7% आगे है राइजन से। इसका मतलब यह है कि अगर राइजन का प्रोसेसर और इंटेल का प्रोसेसर दोनों को सेम फ्रीक्वेंसी पर भी रख दिया जाए तो भी इंटेल 7% आगे रहेगा राइजन से। तो इस डिस्टेंस को कंप्लीट करने के लिए राइजन को अपनी फ्रीक्वेंसी 7% और बढ़ानी पड़ेगी इंटेल से कंप्लीट करने के लिए। सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट है यहाँ पर एएमडी का वो है इसकी आईपीसी। हो सकता हो इन फ्यूचर थोड़ा बहुत इंप्रूव हो जाए लेकिन 7% एक थोड़ा ज्यादा मार्जिन है। अब बात कर लेते हैं दूसरे रीजन की कि इंटेल एएमडी से बेटर क्यों है। दूसरा रीजन है दोस्तों यहाँ पर क्लॉक स्पीड। अगर आप बेसिकली कोई भी प्रोसेसर कॉफी लेक सीरीज का ले लें जो ओवरक्लॉक कर सकते हो तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि आप कोई भी प्रोसेसर 4.5 गीगाहर्ट्ज़ तक इजीली हिट कर लेंगे। वहीं अगर आप राइजन का कोई भी प्रोसेसर ले लें तो आपको पता चलेगा कि आप ओवरक्लॉक 4 गीगाहर्ट्ज़ के आगे नहीं कर सकते। आपको बहुत ज्यादा अच्छे कूलिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी और उसके बावजूद भी आप 4.1 के आगे नहीं जा सकते। अब यहाँ पर दो पॉइंट हो गए। पहली चीज, एएमडी की क्लॉक स्पीड ज्यादा नहीं जा सकती इंटेल से। दूसरी चीज, आईपीसी ज्यादा है इंटेल की। चलिए मान लेते हैं सिंगल कोर परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, आईपीसी उतनी अच्छी नहीं है। क्या होगा अगर हम नंबर ऑफ कोर्स ज्यादा बढ़ा दें जो कि इंटेल ने राइजन के केस में किया है। 8 कोर और 16 थ्रेड दे दिए हैं राइजन 7 को। दूसरी तरफ जो हमारा इंटेल i7-8700K था उसने अब जाकर 6 कोर और 12 थ्रेड दिए, मतलब कि राइजन आज भी 2 कोर और 4 थ्रेड ज्यादा है इंटेल के अगर आप फ्लैगशिप से कंपेयर करें तो। इसीलिए जो पीसी रिव्यूअर्स हैं वो आपको राइजन सजेस्ट करते हैं अगर आप प्रोडक्टिविटी टास्क करते हो। लेकिन दोस्तों आज भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो नंबर ऑफ कोर्स पर डिपेंडेंट हैं, जैसे कि 4 कोर से ज्यादा एप्लीकेशन यूज ही नहीं करते। मिसाल के तौर पे सबसे बड़ा एग्जांपल है वो है आपके गेम्स। जो गेम्स होते हैं वो 4 कोर से ज्यादा यूटिलाइज नहीं करते हैं। इसीलिए i5-8400 और i7-8700 में ज्यादा गेमिंग में परफॉर्मेंस डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। सिंगल कोर परफॉर्मेंस दोस्तों इंटेल का ज्यादा है। अब आप चाहे राइजन के 8 कोर ले आए वो 4 कोर से ज्यादा जब यूटिलाइज ही नहीं करेगा तो बेकार है 4 कोर। और बचे हुए 4 कोर उनका सिंगल कोर परफॉर्मेंस इंटेल के बराबर नहीं है। इसी वजह से दोस्तों आपको गेमिंग में एएमडी पीछे हटते हुए दिखता है। हालांकि प्रोडक्टिविटी टास्क में जैसे कि वीडियो रेंडरिंग हो गई वहां पर आपको जाहिर सी बात है राइजन ज्यादा अच्छा दिखेगा इंटेल के केस में। इसीलिए जो गेमर्स हैं जो 1080 Ti अपने सिस्टम पर यूज करते हैं वो आपको हमेशा इंटेल रिकमेंड करेंगे। हालांकि एएमडी जो है वो थोड़ा बहुत फ्यूचर प्रूफ है। इन फ्यूचर जैसे गेम्स बनेंगे 8 कोर यूटिलाइज करने वाले तब आपको राइजन 7 की असली पोटेंशियल पता चलेगी कि कितना ज्यादा डिसेंट परफॉर्म करता है गेमिंग में। वेल, तो दोस्तों यही थे कुछ रीजन जिस वजह से इंटेल आगे है एएमडी से। वेल, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो पहले जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।